तेरे साथ हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, तो अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म रक्षाबंधन का अभी हाल ही में दोस्तों एक शानदार इमोशनल और कॉमेडी से भरा ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज किया जा चुका है, जिसे कि दोस्तों काफी अच्छा रिस्पांस ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स की तरफ से भी मिला है। ये फिल्म दोस्तों एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें कि दोस्तों हमें भाई बहन का प्यार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में हमें कई सारे इमोशनल सॉन्ग्स भी सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं फिल्म के ट्रेलर में दोस्तों हमें फिल्म के दो सॉन्ग्स की झलक भी देखने को मिली थी, जिसमें दोस्तों एक सॉन्ग था तेरे साथ हूँ मैं, तो वहीं दोस्तों सेकंड सॉन्ग एक जगराता सॉन्ग हमें देखने को मिला था। वैसे में दोस्तों उस ट्रेलर के बाद से ही सभी को इंतजार है फिल्म रक्षाबंधन के आने वाले सॉन्ग्स का। तो आप सभी को बताते चले दोस्तों की फिल्म रक्षाबंधन का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो हमें इसी वीक देखने को मिलने वाला है, और जल्द ही फिल्म के मेकर्स की तरफ से फिल्म रक्षाबंधन के फर्स्ट सॉन्ग का ऑफिशियल पोस्टर भी हमें देखने को मिलने वाला है। इस सॉन्ग में दोस्तों हमें हिमेश रेशमिया का जबरदस्त म्यूजिक सुनने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने। सॉन्ग का टाइटल रखा गया है तेरे साथ हूँ मैं। बात की जाए दोस्तों फिल्म रक्षाबंधन की, तो इस फिल्म को दोस्तों 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है, और इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ साथ भूमि पेडनेकर, शाज़मीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खातिब और स्मृति श्रीकांत नजर आने वाली हैं। फिल्म में दोस्तों हमें हिमेश रेशमिया का जबरदस्त म्यूजिक सुनने को मिलेगा। वही फिल्म का डायरेक्शन किया है आनंद एल राय ने, जो इससे पहले दोस्तों अक्षय कुमार की ही फिल्म अतरंगी रे का भी डायरेक्शन कर चुके हैं। हालांकि फिल्म अतरंगी रे को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था, और फिल्म अतरंगी रे ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या धमाल मचा पाती है। वैसे दोस्तों फिल्म रक्षाबंधन और इस फिल्म के आने वाले सॉन्ग्स को लेकर आप भी एक्साइटेड हैं यानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।